हेलो एवरीवन, आज हम लोग इसके पहले के वीडियो में जो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में आपको बताया था और उसमें भी एक सवाल बनाकर दिखाया था आपको सॉल्व करके, और यहां मैं और भी एक दो सवाल बनाकर दिखाता हूं आपको कि कैसे इक्वेशन हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बराबर ही होता है। बराबर होता है मतलब जितना एसेट का टोटल होगा उतना ही कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल होगा। तो वही देखते हैं, हम लोग बनाते हैं ये सवाल। यहाँ पे है पहला सवाल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में रुपया आया तो एसेट आ गया कैश। कितना? 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 लाख कैश हो गया। और इस तरफ लायबिलिटी साइड में कैपिटल 1 लाख। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि कैपिटल क्या होता है। तो बिजनेस का मालिक जो कुछ भी बिजनेस में लगाता है, बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, वो बिजनेस का कैपिटल होता है। तो कैपिटल हो गया 1 लाख। इस तरह से क्या हुआ, दोनों तरफ बराबर, हमारा एसेट साइड 1 लाख, लायबिलिटी के साइड 1 लाख। और नेक्स्ट अगला जो है परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश गुड्स खरीदा, कैश में खरीदा, कितने का खरीदा है तो 40,000 का। तो 40,000 रुपए का गुड्स खरीदा, नगर में खरीदा तो हमारे पास से रुपया घटेगा, तो यहां पे हम 40,000 रुपया यहां डिडक्ट करेंगे और हमारे पास इसके बदले में क्या आ गया, गुड्स आ गया। तो स्टॉक यहां से 40,000 घटा, यहां पे स्टॉक हमारा 40,000 आ गया। इस तरफ कोई फर्क नहीं, वही का वही है। यहां इस तरफ मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, समझाया था कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जो एक ही तरफ असर डालेंगे, आइदर एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जो दोनों तरफ असर डालेंगे। तो ये ट्रांजेक्शन जो है एक ही तरफ असर डाला कि एक एसेट घटा दूसरा एसेट बढ़ गया। तो अब जो नया इक्वेशन निकल कर आता है इस ट्रांजेक्शन के बाद, न्यू इक्वेशन, वो न्यू इक्वेशन क्या निकल कर आया, तो कैश हमारा रह गया अब बचकर 60,000 और स्टॉक हो गया हमारे पास 40,000 रुपए और इस तरफ कैपिटल 1 लाख। इधर कोई भी चेंज नहीं। उसका नेक्स्ट देखते हैं क्या, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है और कैश में खरीदा है। तो जिस तरह गुड्स खरीदा था कैश में तो हमारा कैश घटा था, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फिर हमारा कैश घटेगा। कितना? 25,000। इस पर कोई असर नहीं यहां पे। और एक हमारा आ गया एसेट साइड में फर्नीचर, फर्नीचर कितने का आ गया, तो ये आ गया 25,000 का। तो अब क्या है, यहां भी एक ही तरफ असर पड़ा है, कैश घट गया और सिर्फ एसेट की तरफ और फर्नीचर आ गया और यहां उसी तरह रह गया कैपिटल एज इट इज जो था वही। अब जो न्यू इक्वेशन निकलेगा इस ट्रांजेक्शन के बाद, न्यू इक्वेशन 60,000 25,000 डिडक्ट कर देना, इतना रुपया घट गया हमारा तो हो गया 35,000 और स्टॉक हमारे पास 40,000 का है जो पहले से है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फर्नीचर आ गया 25,000 और हमारा इस तरफ कैपिटल वही 1 लाख का 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में गुड्स खरीदा। तो उधार में गुड्स खरीदा तो होगा क्या, कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उधार खरीदा गया है। स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा, कितने का खरीदा है 20,000 का, तो स्टॉक बढ़ गया 20,000 और यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क इस तरफ पड़ेगा कि हमारा एक क्रेडिटर, एक क्रेडिटर आ जाएगा। यहीं पे लिख लेते हैं क्रेडिटर, जो कि इधर नहीं था, गए यहां पर आकर हो गया क्रेडिटर। कितने का? अगर 20,000 का गुड्स खरीदा है तो हमारे जो महाजन, हमारा जो लेनदार होगा वो 20,000 का। अगर नगद में खरीदा होता तो कैश घट जाता, स्टॉक बढ़ता, पर यहां पे उधार में खरीदा है तो कैश में कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक बढ़ गया और क्रेडिटर आ गया। इसको तो यहां पे
क्रिएटर हमारा 20,000 का। इसके बाद जो नियुक्त क्वेश्चन है यहां पे न्यू इक्वेशन, ये वही का वही 35,000, कोई चेंज नहीं है कैश में, हमारा स्टॉक बढ़ गया, अभी अभी हमने गुड्स खरीदा है उधार में खरीदा है, तो 60,000 का ये 25,000 और यहां पे 20,000 और 1,00,000, तो 1,20,000। हम लोग देख रहे हैं कि यहां भी इस इक्वेशन के बाद क्या है, इधर भी 1,20,000 अगर जोड़े इसको तो, और इधर भी 1,20,000 बराबर दोनों तरफ। अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमारा गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहां पे लगता है कुछ छूटा हुआ गुड्स था कितने का उसका कॉस्ट, अच्छा नहीं लिखा, नेक्स्ट में देख लेंगे। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स बेचा तो बेचने पर क्या होगा, कैश हमारे पास आएगा कितना, अगर गुड्स हमने कैश में बेचा है तो हमारे पास कैश आएगा 20,000, क्योंकि 20,000 का बेचा है। और दूसरा क्या होगा, स्टॉक हमारे पास से घटेगा, 20,000 का बेचा तो 20,000 रुपए आए, और गुड्स बेचा तो गुड्स इतना घट जाएगा, और बाकी यहां कोई फर्क नहीं, इस तरफ भी कोई फर्क नहीं। तो अब जो न्यू इक्वेशन आ रहा है हमारे पास क्या आएगा, न्यू इक्वेशन वो 35 में 20 गया 15,000 सॉरी ये तो जुटेगा ना, हाँ कैश 55,000, और ये हमारा रह गया 60 में 20,000 का माल बिक गया तो बच गया 40,000, और ये वैसे का वैसे उतर गया। और उसके बाद हमारे पास इस तरफ कोई फर्क नहीं, वही का वही 20,000 और 1,00,000, ठीक है। अब इसके बाद में है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा 50,000 का, और जिसे 50,000 में बेचा वो सामान हमारा गुड्स था 40,000 रुपए का, 40,000 रुपए का गुड्स 50,000 में बेचा और उधार में बेचा, तो उधार जब खरीदते हैं तो हमारा क्रेडिटर स्टैंड होता है, स्टैंड करता है, और उधार अगर जब जब बेचते हैं तो हमारा डेटर्स स्टैंड करता है। तो यहां पे क्या होगा, उधार बेचे तो देनदार बनेगा, तो अभी क्या है कि 50,000 में बेचा है और वो जो बेचा वो कितने, ये कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उधार में है, गुड्स हमारा घटेगा, ये 40,000 का बिक गया तो 40,000 पूरा का पूरा डेटा खत्म, ये हमारा खत्म हो गया गुड्स 40,000 रुपए का, और हमारे पास डेटर्स, एक डेटर्स हो गया, जगह जगह बना लेते हैं इस तरफ, तो हमारे पास में कौन आ गया, एक डेटर्स आ गया, वो डेटर्स कितने का होगा, यहां भी कुछ नहीं, यहां पे आ गया डेटर्स 50,000 का, बेचा 40,000 का गुड्स, गुड्स हमारे पास से घटा 40,000 रुपए का, लेकिन उससे बेचा कितने 50,000 में, तो डेटर्स हमारा 50,000, गुड्स हमारा घटा 40,000 का, अच्छा ये बेचने पर फायदा हुआ, तो आपको बताया गया है कि प्रॉफिट और इनकम को कैपिटल में ऐड करते हैं, लॉस और एक्सपेंस को कैपिटल से डिडक्ट करते हैं। तो अब यहां पे क्या होगा, इस तरफ यहां कोई फर्क नहीं, पर कैपिटल हमारा 10,000 रुपए से बढ़ जाएगा क्योंकि 40 का चीज हमने 50 में बेचा, तो 10,000 का फायदा। अब यहां पे नया इक्वेशन क्या आता है, न्यू इक्वेशन जो होगा, ये तो वही का वही 55,000 55,000, ये हमारा नील हो गया, स्टॉक खत्म, 40 का था उसे हमने बेच दिया, बचा हुआ था जो, और यहां पे 25,000 और डेटर्स हमारा 50,000, और इस तरफ हो गया 20,000 और कैपिटल हमारा बढ़कर 1,10,000 प्रॉफिट हो गया, ये हो गया। उसके बाद में पे टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे किया हमने कितना 10,000 रुपए, तो क्या होगा,
दिया पैसा तो 10,000 रुपए घटेगा हमारा और बाकी कहीं कोई फर्क नहीं हमारा। उस तरफ क्या होगा, क्रेडिटर घट जाएगा, हमारा क्रेडिटर भी घटेगा। 10,000 दिया है तो 10,000 रुपए से वो घट जाएगा, 20,000 का क्रेडिटर था इसमें उसको 10,000 पे कर दिया गया तो 10,000 रुपए घटेगा। ये हो गया और यहां कोई फर्क नहीं। अब जो न्यू इक्वेशन है हमारा कैश बच गया 45,000 और 45,000 ये तो स्टॉक तो खत्म ही है, ये 25,000 हमारा फर्नीचर, ये 50,000 का डेटर और इस तरफ क्रेडिटर हमारा अब रह गया 10,000 और कैपिटल 1,10,000। ये हो गया। अभी इसके बाद में कमीशन रिसीव, इससे क्या होगा, कमीशन मिला है तो कैश मिला, 1,000 रुपया कैश बढ़ गया और कहीं कुछ नहीं, कैपिटल में जाकर ये जुड़ेगा क्योंकि इनकम है 1,000। अब जो नया इक्वेशन आएगा, यहां पे न्यू इक्वेशन हमारा कैश हो गया 46,000 कमीशन मिलने के बाद और यहां कुछ नहीं क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया, सारा माल बेच दिया हमने, फर्नीचर 25,000 और डेटर्स 50,000। इस तरफ हमारा 10,000 रुपए का क्रेडिटर अभी भी है जिसे पे करना है जो बाद में किया जाएगा और ये 1,11,000 कमीशन मिलने के बाद कैपिटल। ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर पेड सैलरी, खर्च दिया, खर्च का पेमेंट किया, सैलरी पे किया तो सैलरी पे करने पर क्या होगा, खर्च है तो सबसे पहले तो कैश घट गया हमारा 1,000 सैलरी दिया, बाकी कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। हाँ, कैपिटल से वो डिडक्ट होगा, कैपिटल से 1,000 रुपया घट जाएगा। अब जो नया इक्वेशन आएगा इसका मार्कर में इंक, हाँ खत्म हो गया है, न्यू इक्वेशन। अब जो न्यू इक्वेशन है क्या है, कैश हमारे पास में 45,000 और ये कुछ नहीं, ये 25,000 का फर्नीचर है हमारे पास में, डेटर्स 50,000 का और इस तरफ हुआ क्या था यहां पे, हाँ वो तो इक्वेशन तो हमने कर, ट्रांजेक्शन का इक्वेशन तो हो गया है, 10,000 रुपए और यहां पर अब जो है कैपिटल फिर हमारा 1,10,000 हो गया 1,000 रुपया सैलरी पे करने के बाद। और लास्ट है कैश विथड्रॉन फॉर डोमेस्टिक यूज, घर के यूज के लिए रुपया निकाल दिया। अब इससे कैश तो घटेगा ही 10,000 और बाकी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है, पड़ना फर्क कहां पर है तो कैपिटल पर है, कैपिटल हमारा घट जाएगा, पर्सनल यूज के पैसा निकाला हमने तो कैपिटल हमारा घटेगा 10,000 रुपया। तो देख रहे हम लोग कि फाइनल इक्वेशन के बाद क्या बचता है, कैश विड्रॉन फॉर डोमेस्टिक यूज कितना निकाला है तो 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए हमारे हमारा कैश से घट गया तो कैश हमारा हो गया 35,000 में 35,000, फर्नीचर 25,000 का हमारा था वो है और डेटर्स हमारा 50,000 रुपए का, इसका टोटल करेंगे तो 1,10,000 होगा और इस तरफ क्रेडिटर्स और कैपिटल दोनों को जोड़ते हैं तो 1,10,000। तो देख रहे हैं कि हर एक इक्वेशन के बाद अब देखते चलिए कि हमारा जो है जितना एसेट हो रहा है उतने के बराबर ही लायबिलिटी और कैपिटल हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे शेयर करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।